दुनिया में कुत्तों की अनेकों नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें से कई नस्लें इतनी खतरनाक हैं कि वो पल भर में किसी की भी जान ले सकती हैं। दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया भर के सबसे खतरनाक नस्ल के कुत्तों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो किसी की भी जान लेने से पीछे नहीं हटते। प्रेसा कैनारियो। प्रेसा कैनारियो को शिकार के लिए और 18वीं शताब्दी के दौरान युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया गया था। ये शारीरिक रूप से इतने स्ट्रांग होते हैं कि इन्हें पहले के समय में डॉग्स फाइट में लड़ाया जाता था। सुरक्षा की भावना से ये बेहतर विकल्प हो सकते हैं, पर आम नागरिकों को इस प्रजाति के कुत्तों को पालने की सलाह नहीं दी जाती है। बॉक्सर। बॉक्सर प्रजाति को शिकारी कुत्तों का वंशज कहा जाता है। 30 से 32 किलो वजनी ये कुत्ते अपने मजबूत जबड़े से किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं। ये कुत्ते सुरक्षात्मक नस्ल के होते हैं। सुरक्षा की भावना के इच्छुक परिवारों के लिए ये कुत्ते सबसे बेहतर विकल्प हैं। लेकिन इनकी पहचान अड़ियल कुत्तों के रूप में भी जानी जाती है। डॉबरमैन पिंस्चर। डॉबरमैन प्रजाति के कुत्ते बहुत बुद्धिमान, मजबूत और ध्वनि के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये खतरों को सूंघ सकते हैं। स्वाभाविक रूप से ये अजनबियों के प्रति आक्रामक होते हैं तथा इनका आकार इन्हें और भी खतरनाक बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है। यदि इन्हें ठीक से प्रशिक्षित और आज्ञाकारी नहीं बनाया जाए तो ये काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मालाम्यूट। भेड़ियों के समान दिखने वाले मालाम्यूट प्रजाति के कुत्ते उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, जिनका वजन 34 से 49 किलो के बीच होता है। इस प्रजाति के कुत्ते इंटेलिजेंट होने के साथ ही ऊर्जा और आक्रामकता से भरे होते हैं। यदि उनकी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग नहीं होता है तो वे काफी आक्रामक कुत्तों में बदल सकते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि ये स्लो लर्नर्स होते हैं, इसलिए इन्हें प्रशिक्षण देने के लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है। हस्की। आपने फिल्मों में बर्फ पर बिना पहिए की गाड़ी को खींचते कुत्तों को तो देखा ही होगा, जिन्हें हस्की या स्लेज डॉग के रूप में भी जानते हैं। हस्की प्रजाति के कुत्ते खतरनाक होने के साथ साथ बेहद ही इंटेलिजेंट होते हैं। जब ये आक्रामक मूड में होते हैं तब ये किसी की भी जान लेने से पीछे नहीं हटते। इस प्रजाति के कुत्ते के कारण अमेरिका में 1979 से 1993 के बीच 15 लोगों की मौत हो गई थी। बुलमैस्टिफ। बुलमैस्टिफ शक्तिशाली, मजबूत और आक्रामक स्वभाव का कुत्ता होता है, जिसके पैर बहुत ही लंबे होते हैं। इनका वजन 55 से 60 किलो के बीच होता है। लगातार प्रशिक्षण के साथ ये कुत्ते बहुत भरोसेमंद और आज्ञाकारी बनते हैं। लेकिन ऐसे कई हमलों की घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें इनके हमलों से कई लोगों की जान चली गई है। वुल्फ डॉग हाइब्रिड्स। जैसा कि इसके नाम से आप पहले ही समझ चुके होंगे कि वुल्फ डॉग एक कुत्ते और भेड़िए का मिश्रण से बनी नस्ल है। इसका वजन 36 से 56 किलो के बीच हो सकता है। अगर इन्हें सही से ट्रेन नहीं किया गया तो ये काफी खतरनाक हो सकते हैं। इनकी आक्रामकता और इंसानों पर हुए हमलों के बाद इन्हें कई देश जैसे फिनलैंड, नॉर्वे और यूक्रेन आदि देश इस तरह की नस्ल पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। जर्मन शेफर्ड। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है जर्मन शेफर्ड, जिसे हम पुलिस के साथ अक्सर गश्त लगाते देख सकते हैं। 30 से 40 किलो वजनी ये कुत्ते 108 किलो के दबाव से किसी पर भी अटैक कर सकते हैं, जिसके बाद किसी का भी बचना नामुमकिन सा हो जाता है। रॉटवेलर। इस प्रजाति के कुत्ते सबसे ताकतवर होने के साथ साथ बहुत ही तेजी से हमला करने में माहिर होते हैं। इनके व्यवहार को देखकर लगता है जैसे इनका उद्देश्य सिर्फ अपने मालिक की रक्षा करना है। इसका वजन 35 से 48 किलो के बीच होता है और ये 1460 न्यूटन यानी 148 किलो के दबाव से किसी को भी काट सकता है। इस नस्ल के कुत्ते को अगर सही तरीके से ट्रेन नहीं किया गया या इनका रखरखाव ठीक से नहीं हुआ तो इस प्रजाति के कुत्ते बेहद खतरनाक हो जाते हैं। हाल ही के वर्षों में इनके हमलों से कई इंसानों की जानें गई हैं, जिसकी वजह से अमेरिका और यूरोप के कई देशों में इसे पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पिटबुल। पिटबुल प्रजाति के कुत्ते दुनिया भर में सबसे खतरनाक और आक्रामक नस्ल के होते हैं और अमेरिकन बुलडॉग की प्रजाति से जुड़े हुए हैं। इनका वजन 16 से 30 किलो और हाइट 35 से 60 सेंटीमीटर के बीच होता है। इनके बेहद खतरनाक स्वभाव के कारण दुनिया भर के 12 से अधिक देशों ने इन कुत्तों को रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें यूएस सहित न्यूजीलैंड, फ्रांस, डेनमार्क, ब्राजील आदि प्रमुख हैं।
हालांकि अमेरिका के कुछ राज्यों सहित कई अन्य देशों में पिटबुल को आज भी पाला जाता है, लेकिन इनके आक्रामकता को रोकने के लिए बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत होती है। 2015 में सिर्फ अमेरिका में पिटबुल के हमले से 38 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। तो दोस्तों, क्या आप ऐसे डॉग्स पालना चाहोगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।